Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope that you all are fine. Now we are moving towards the solving of MCQs of chapter 3 regarding first year mathematics, and the chapter name is equations. तो 2019 के अंदर जो पहला एमसीक्यू आया था कि ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा 256, ओमेगा की पावर 256 क्या होगी, किसके इक्विवेलेंट होगी। अच्छा, जब भी ओमेगा की कोई भी पावर हो और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने कहा जाए तो बहुत सिंपल है। तो पहले तो 256 को आप डिवाइड करवा दें, 256 को डिवाइड करवा दें आप 3 से, ठीक है। जब भी किसी भी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने कहा जाए तो हम किससे, 3 से डिवाइड कराएंगे। उसकी वजह क्या है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है हमारे पास 1 के, ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्विवेलेंट होता है, तो 3 से डिवाइड करवाएंगे। 3 8 24, 5 - 4 विच इज़ 1, 6 इज़ रिमाइंडर 16, 3 5 15, 6 - 5 इज़ 1, ठीक है। तो पता लगे 256 जो है वो 3 को कब डिवाइड करेगा, 3 से कब डिवाइड होगा, जब 85 पर हो, यानी कि 256 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, 1 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे हम 256 के, तो 256 को जब माइनस करेंगे 1 से तो आएगा जी 255। इसका मतलब है 255 जो है ये ऐसी वैल्यू है जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, और ये 255 कितने पर आएगा, 85 पर आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि ओमेगा 256 को ब्रेक कर दूँगा 255 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 1 के अंदर। रूल पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 256 आएगा। ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि 255 जो है वो 3 के टेल में आता है और 256 नहीं आता, तो जितने का फ़र्क आ रहा था उसको हमने अलग कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा, ओमेगा की इंटरनल पावर मुझे 3 रखनी होगी, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ओमेगा की पावर 3 आपने रखनी है। अच्छा, बाहर क्या रखूँ, एग्जैक्ट पावर थी 255, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 255 आ जाए, तो आंसर है 85, तो यहाँ भर दूँगा बाहर 85, ठीक है। 3 को 85 से करेंगे वापस 255 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1, ठीक है। अच्छा, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्विवेलेंट है, 1। ये सारे स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको रख सकें, तो 1 की पावर हो जाएगी 85 डॉट ओमेगा 1। 1 की कोई भी पावर तो आंसर 1 आता है, 1 डॉट ओमेगा 1, ठीक है। ओमेगा को 1 से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, 1 पावर लिखते नहीं है। इसका मतलब ओमेगा 256 इक्विवेलेंट होगा ओमेगा के, ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं इस एक इक्वेशन दी हुई है y²-2y+8, इसके हमने सम ऑफ रूट निकालने। अच्छा, पहले इक्वेशन को समझ लें, y²-2y+8 इज इक्वल टू 0। ए बी सी हाईएस्ट पावर का जो वेरिएबल होता है उसका जो कॉफिशेंट होता है वो ए के लाता है, उसका कॉफिशेंट ए के लाता है, और 1 वाली पावर का जो कॉफिशेंट होता है वो बी के लाता है, और जो कॉन्स्टेंट होता है वो सी के लाता है, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ रूट निकालने इस इक्वेशन के, सम ऑफ रूट SOR शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ रूट इक्विवेलेंट होता है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का है, यहाँ पे बी कौन है, यहाँ बी की वैल्यू है -2, तो हमने लिख दिया -2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है। अच्छा, यहाँ पे ए कुछ भी ना, तो अंडरस्टूड है, जब कुछ ना हो तो कॉफिशेंट 1 होता है, डिवाइड बाय 1, -2 आ गया अपॉन 1 लिखते नहीं है, तो इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, 2 होगा, 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फॉर्मूला आपने याद करना, -b/a। अच्छा, थर्ड पे कह रहे हैं जी, इफ़ 2 की पावर x+3 है तो ये किसके बराबर होगा, 1/32 के, x की वैल्यू हमने निकालनी है। अच्छा, बहुत आसान सी बात ये है कि 2x⁻³ लिखा इज इक्वल टू 1/32, इस 1/32 को मैंने पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा,
32 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, 32 का एलसीएम ले लें। लेकिन इस बेस से पता लग रहा है कि आपने जो वैल्यू रखनी होगी, मतलब 32 का एलसीएम 2 से लेना होगा। 2 1 2 वन कैरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया 5, 2 की पावर 5। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 32 के यहाँ लिख सकता हूँ 2 रेस्ट टू द पावर 5, ठीक है। 32 को रिप्लेस कर दिया 2 रेस्ट टू द पावर 5 से। इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, और हमें पता है कि जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में वैल्यू शिफ्ट करते हैं तो पावर साइन चेंज हो जाता है। तो ये अगर 2x+3 इज इक्वल टू, ऊपर शिफ्ट होगा 2 -5 हो जाएगा, दोनों की जब बेस सेम हो जाए तो पावर्स को इक्वल कर दिया जाता है। तो x+3 इज इक्वल टू -5, ठीक है। ये प्लस का 3 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 × -3, एक्स इक्वल टू -(-+) -8 आ गया, एक्स की वैल्यू हो गई -8। तो ये जो बेस रखी हुई है आपने, इसको देखते हुए इसको भी उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, जो यहाँ बेस हो उससे आप मल्टीप्लाई करवा दें, सॉरी उससे डिवाइड करवा दें, ठीक है। आगे चलते हैं, 2018 के अंदर है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने इस इक्वेशन का, ठीक है। तो पहले तो इस इक्वेशन को हम सेट कर लेते हैं। इक्वेशन है y²+1 = 7y - 7, ठीक है। अच्छा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, y², ये प्लस का 7y, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, -7y, और ये माइनस का 7 है, यहाँ पे आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 एज इट इज इक्वल टू 0। y²-7y+++7+1 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला क्या है, c/a, ठीक है। तो हमने बताया था कि यहाँ a की वैल्यू होती है, ये b की होती है, और ये c की होती है। तो यहाँ पे c है 8/, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है 1 है, तो 8/1 क्या होता है, 8 ही होता है, तो इसका आंसर होगा 8। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है जी, 2018 का हम ये कर चुके हैं, 5 पर हैं, ठीक है। 5 में कह रहे हैं कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स रूट है, देन 2 - ओमेगा - ओमेगा² किसके इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं ज़रा। चीज़ अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि 2 - ओमेगा - ओमेगा² का होल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स आपको याद करने पड़ेंगे, 1+ओमेगा + ओमेगा² ये इक्विवेलेंट होता है 0 के, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसमें से 1 को वहाँ शिफ्ट करूँगा तो ओमेगा + ओमेगा² ये इक्विवेलेंट होगा -1 के। ये सारे ड्राइव्ड हैं इससे, ये तीनों इससे ड्राइव्ड हैं। अच्छा, 1 1+ओमेगा² इन दोनों को ले लूँ तो -ओमेगा वहाँ चले जाएगा, और थर्ड पे क्या होगा, 1+ओमेगा ले लूँ तो -ओमेगा² हो जाएगा, और सेकंड पे जो रूट है वो क्या, ओमेगा³ बराबर था 1 के, अभी हमने देख लिया। खैर, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, इसको हम देखते हैं ज़रा। 2 - ये माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, जैसे ये माइनस कॉमन लूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा ओमेगा + ओमेगा², ठीक है। इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अंदर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लिया। ओमेगा + ओमेगा² इक्विवेलेंट होता है -1 के, 2 - इसकी जगह शिफ्ट कर दूंगा मैं -1, ठीक है, और ये होल स्क्वायर आ गया। -(-)+ 2+1 = 3, स्क्वायर 2+1 = 3, 3 का² इक्विवेलेंट होता है 3 × 3 = 9 के, इसका आंसर होगा 9। अच्छा जी, 17 के अंदर क्या है जी, द वैल्यू ऑफ 1+ओमेगा² × 3 इज डैश। 1+ओमेगा² अभी हमने देखा ये इक्विवेलेंट होता है -ओमेगा के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, -ओमेगा - ओमेगा³, यानी कि -ओमेगा 3 times है। तो मैं माइनस, अगर मैं कर लूँ -1 × ओमेगा³ कर लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, -(-)+ - ओमेगा 1 ओमेगा, और ये क्यूब ऐसे आ गया। ओमेगा³ बराबर होता है जनाब 1 के, यहाँ 1 पुट कर दिया, -(-)+ - 1 1 1, -1 इसका आंसर होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, द रूट ऑफ द इक्वेशन,
अच्छा इसको देख लें ये कैसा होगा, रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 16 है, वहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर क्यूबिंग ऑफ रूट लेंगे बोथ साइड पे तो क्या होगा, ये हो जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 16। अच्छा हम क्या करेंगे, हम माइनस 1 को अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई 16 कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 16 तो वही वैल्यू आएगी। और हमें पता है कि माइनस 1 बराबर होता है, माइनस 1 बराबर होता है अंडर रूट माइनस 1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, ठीक है, आयोटा स्क्वायर के, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके मैं क्या रख दूंगा, आयोटा स्क्वायर रख दूंगा और ये 16 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको देखता हूँ तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो ये भी रूट से बाहर स्क्वायर की वजह से और ये भी परफेक्ट स्क्वायर की वजह से रूट से बाहर, तो आएगा 4 आयोटा, और रूट से जब बाहर आते हैं इंटीजर के साथ आते हैं तो इसका आंसर होगा इंटीजर 4 आयोटा, इंटीजर 4 आयोटा इज द राइट आंसर। 12-16 में देखते हैं जी के इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा 17, ओमेगा 17 निकालने वही बात है कि 17 को आप डिवाइड कर दें इससे 3 से, 3 5 15 हो जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, तो 2 का मसला आ रहा है, सिर्फ 17 में से आप जो है माइनस कर दें 2 को तो आपका आ जाएगा 15। इसका मतलब यह है कि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ ओमेगा 15 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर के अंदर, ठीक है। ओमेगा 15 है, अंदर मैं क्यूब रखूँगा, बाहर पावर क्या आएगी, 3 का डिवाइड इतना पड़ो 15 आ जाए 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 5 को आप जितना भी कर लें आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर जो है वो 1 ही आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर 1 को ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2016 का जो 9 का है इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है कह रहे हैं आर इमेजिनरी, अच्छा ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, अगर इमेजिनरी का वर्ड आ जाए तो ये जो जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी होगी, यहाँ पे क्यू और पी आर के लेटर्स यूज हुए हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर, इसको हम कहेंगे कैपिटल डी, कैपिटल डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट कह लें या डिस्क्रिमिनेंट कह लें, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कैपिटल डी, अगर इमेजिनरी आ जाए तो ये कैपिटल डी लेस देन होगा 0 से, ठीक है। रियल एंड इक्वल का वर्ड आ जाए यहाँ पे तो कैपिटल डी, कैपिटल डी का मतलब है ये एक्सप्रेशन, ये इक्वल होगा 0 के, रियल एंड अनइक्वल आ जाए तो कैपिटल डी ग्रेटर देन होगा 0 के, अच्छा सिर्फ रियल का वर्ड हो तब भी डी ग्रेटर देन होगा 0 से, रियल के साथ डिस्टिंक्ट का वर्ड आ जाए तब भी डी ग्रेटर देन होगा 0 से, तो ये तीनों केस एक है और एक इमेजिनरी वाला और एक रियल वाला, तो टोटल 3 केस बन जाएंगे। इमेजिनरी का वर्ड है तो ये डी क्या होगा, डी लेस देन 0, तो लेस देन 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। 20 में देखते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ अभी हमने देखा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, तो ऑप्शन होगा हमारा सी माइनस 1, ठीक है। ये रेशोज आप रूट्स याद करने होंगे, सम ऑफ रूट निकालने और सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता है जी क्या होता है, सम ऑफ रूट इक्वलेंट होता है, सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल होता है, इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस तो फॉर्मूले का हो गया और बी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 16, तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 16 और अपॉन ए है यहाँ पे 12, ए क्या है जी 12, माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 12 आ जाएगा, तो किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये दोनों आते हैं 4 के टेबल में, 4 4 16, 4 3 12, द आंसर इज 4 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा जी इफ़ 2 की पावर है 2x+3 इज इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है, राइट साइड पे 32 है, इसको हम पहले पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 32 का आप एलसीएम ले लें, किससे लें, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो बेस है इसने बता दिया 2 से लेना है, 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है कि 32 को हटा के मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ,
तो ये आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को एक साथ इक्वल करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, प्लस का 3 है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा, 5 में 3 जाएंगे तो 2 बन जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा वो 1, एक्स 1 होगा। सी इज़ द राइट आंसर। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमने आपको बताया था कि रियल और डिस्टिंक्ट का वर्ड आ जाए तो d ग्रेटर देन होगा, यानी कि ये पूरा d कहलाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहते हैं हम। डिस्टिंक्ट और रियल का वर्ड आ गया तो कैपिटल d ग्रेटर देन होगा 0 से। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रेटर देन का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे हम समझने के लिए एक लाइन बना लेते हैं। सेंटर पॉइंट पे होता है 0, 0 के लेफ्ट पर जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और 0 के राइट पे सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। अच्छा, हमने कहा है डी ग्रेटर देन है किस से, 0 से, 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर का मतलब है यहाँ जाएंगे, ठीक है, बड़ा, तो वो 0 से ग्रेटर वैल्यू कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है इसका, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता है जी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो यहाँ पे सी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू है 3, 2/3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। 25 पे देखते हैं जी, ओमेगा की कह रहे हैं ओमेगा 16 क्या होगा, तो इसका हमने बताया था कि पहले जो है वो इस 16 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 15 आ गया, 1 रिमाइंडर, ठीक है, तो पता लगेगा कि 16 में से माइनस 1 कर दें तो आ जाएगा 15, 15 कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होता है, 16 नहीं होता, तो हम इस ओमेगा को ब्रेक कर देंगे 15 में डॉट 1 में, ठीक है, ओमेगा 15.1। अच्छा, 15 प्लस 1 वापस 16 हो जाएगा, और इस 15 को फर्दर पावर से ब्रेक करना है तो अंदर रखूँगा मैं 3, या अंदर इंटरनल पावर 3 फिक्स है, 3 के लिए इतना पढ़ना है कि 15 आ जाए, 5 टाइम्स पे आएगा 15 ओमेगा 1, ओमेगा क्यूब इक्विवेलेंट होता है 1 के, 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा 1, 1 की पावर कोई भी पावर रख दें आंसर 1 आएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो 1 ओमेगा ओमेगा, सी इज द राइट आंसर। 2010 पर आए, कह रहे रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का वर्ड आ गया। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स का वर्ड आ जाए तो इसका आंसर आप याद कर लें, कॉम्प्लेक्स आ जाए तो हमारा आंसर होगा नेगेटिव, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दें तो उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स का वर्ड आया तो आंखें बंद करके आप नेगेटिव पे टिक लगा दें, ठीक है। कह रहे ओमेगा 64 क्या होगा, 64 का आपको दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉरी 3 से इसको डिवाइड करवा दें, 3 2 6 और 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 1 रिमाइंडर बच गया, 64 में से इस 1 को माइनस कर दें आ जाएगा 63, इसका मतलब 63 जो है वो 3 का मल्टीपल्स है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे 64 को 63 डॉट ओमेगा 1 में। अच्छा, यहाँ रखूँगा 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई आएगा, 63 आ जाए, 3 2 6, 3 1 3, 21 से, ठीक है। ओमेगा की जगह ओमेगा क्यूब इक्वलेंट होता है 1 के 1 की पावर 21 डॉट ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 1 की पावर 21 होगी तो 1 ही आ जाएगा, ओमेगा 1 से ओमेगा, इसका ओमेगा आंसर आएगा। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं, फॉर द इक्वेशन ऑफ द सम ऑफ रूट्स, इसके सम ऑफ रूट्स निकालने, तो सम ऑफ रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ रूट इक्वलेंट होता है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी के यहाँ पे यहाँ पर आ रहा है क्यू माइनस, तो ये आ गया फॉर्मूले का, और यहाँ पे क्यू अपॉन ए की जगह पे है पी माइनस क्यू अपॉन पी, डी इज़ द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 10 है, इससे पहले हमने जो है वो लास्ट के ईयर्स के कर लिए और बीच के ईयर्स रह गए, तो बीच वाले ईयर्स के हम कर रहे हैं। इफ 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 64, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा जी, 64 को इस 4 के अकॉर्डिंग हमने पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, 64 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 से करना है, कैसे पता लगा, इस वाली बेस से 4 इसको यहाँ पे कर लेते हैं 64 से, 4 1 4 2 कैरी,
फोर सिक्स आर 24, फोर फोर आर 16, फोर वन आर 4. इसका मतलब 4 थ्री टाइम्स, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 64 को रिप्लेस कर दूंगा 4 की पावर 3 से. बेसिस सेम हो गए तो ये पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3. ये प्लस कर 2 है वहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. 1 इज द राइट आंसर. कह रहे हैं इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रियल का वर्ड आ गया तो हमने बताया था कि ये पूरा बराबर होता है डी के. रियल में क्या होता है, रियल के अंदर जी, रियल में डी ग्रेटर देन होता है ज़ीरो से, और ग्रेटर देन पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, पीछे हमने देखा था. ठीक है, ओमेगा कह रहे हैं कि ओमेगा इसकी वैल्यू क्या होगी. अच्छा पहले तो क्या कर लेंगे, ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब बराबर था वन के. अच्छा इस ओमेगा फोर को ब्रेक कर लेंगे थ्री और वन में, ओमेगा थ्री डॉट ओमेगा वन, थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा. इस ओमेगा फाइव को ब्रेक कर लेते हैं ओमेगा थ्री डॉट ओमेगा टू के अंदर, ये वन एज इट इज़ आ गया. ओमेगा क्यूब यहाँ मैं वन रख दूंगा, वन इंटू ओमेगा, इसकी जगह भी वन रख दूंगा, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये वन ओमेगा वन सा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सा ओमेगा स्क्वायर. वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने देखा था इक्वल होता है ज़ीरो के, तो ज़ीरो इसका आंसर है. 14 में देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने तो उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए. यहाँ पे सी है माइनस 15 और यहाँ पे ए है 2. माइनस 15 अपॉन 2 इज द राइट आंसर. 14 पे देखते हैं, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर. अच्छा ये पूरा हमें पता है, ये पूरा इक्वल होता है ज़ीरो के, यहाँ लिख दें ज़ीरो. ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो. ज़ीरो इज द राइट आंसर. अच्छा जी उसके बाद कह रहे हैं कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल का वर्ड आ जाए तो क्या होगा, ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये कहलाती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ठीक है, इक्वल बोला तो ज़ीरो के इक्वल होगा सी इज़ आंसर. ठीक है, अगर इक्वल ना होता तो फिर दूसरे ऑप्शन पर हम टिक कर दें. 13 पर है, इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन, अगेन इक्वल का वर्ड आ गया तो क्या होगा, ज़ीरो. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, इफ एन इक्वेशन हैज़ रूट्स देन द इक्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको रूट्स दे दिए और कह रहे हैं इक्वेशन बना के दिखाओ. तो इसको देखने जरा कैसे होगा कि इक्वेशन क्या होती है, इस वाले एमसीक्यू को देखें. वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन सिक्स, ये कहलाएगा हमारा अल्फा और ये कहलाएगा बीटा. पहले रूट को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं. इसकी इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन बनाने के लिए जो हमारे पास सैंपल है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. सम ऑफ रूट कैसा निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा यहाँ पे वन अपॉन टू, अल्फा है वन अपॉन टू, प्लस फॉर्मूले का और ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस वन अपॉन सिक्स. ठीक है, टू और सिक्स का हमने लेना होगा एलसीएम, टू और सिक्स का हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास सिक्स. अच्छा इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, सिक्स आ जाए, थ्री से करूँगा, थ्री वन जा थ्री, तो ये सिक्स एलरेडी से तो माइनस ही वन ऐसी कॉपी हो जाएगा. थ्री में से वन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा. तो ये हो जाएगा टू अपॉन सिक्स, टू अपॉन सिक्स का मतलब है टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, वन अपॉन थ्री. तो सम ऑफ रूट मेरे पास आ गया वन अपॉन थ्री, सम ऑफ रूट आ गया मेरे पास वन अपॉन थ्री. ठीक है, तो यहाँ मैं वन अपॉन थ्री रख सकता हूँ. प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा क्या है, वन अपॉन टू है, इसको मल्टीप्लाई करना है बीटा से, बीटा है माइनस वन अपॉन सिक्स. अच्छा वन अपॉन टू, वन 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 ज़ा वन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, माइनस वन अपॉन ट्वेल्व. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया बस माइनस वन अपॉन ट्वेल्व. अच्छा जी इस इक्वेशन में पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट जो है मेरे पास वो है वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री यहाँ लगना है एक्स, यहाँ आ गया एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है मेरे पास माइनस वन अपॉन ट्वेल्व. इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वन अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो. अच्छा जी अभी इस थ्री और ट्वेल्व को हमने ख़त्म करना है, चूँकि ये जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं. थ्री और ट्वेल्व का एलसीएम ले, ट्वेल्व आ जाएगा, तो हम यहाँ मार्जिन ड्रॉ करते हैं, ट्वेल्व आ जाएगा. इसके नीचे कुछ भी नहीं तो वन है, इसको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करा देंगे, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये.
और ये जाएगा माइनस इसके नीचे। अच्छा ये थ्री है, थ्री को किससे मल्टीप्लाई करूँ, ट्वेल्व बन जाए, फोर से, थ्री फोर ट्वेल्व, तो फोर वन सा फोर, फोर एक्स आ गया, ट्वेल्व सेम है तो माइनस वन एल ई डी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ट्वेल्व डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके जीरो से मल्टीप्लाई आएगा, जीरो ट्वेल्व से जीरो हो जाएगा, तो आएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन, तो ऑप्शन नंबर ए पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। ट्वेल्व पे देखते हैं लास्ट के दो एम सी क्यूज़ हैं। इफ़ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल का वर्ड आ गया, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा इफ़ माइनस फोर एंड एट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है तो पहले तो आपने सम ऑफ रूट निकालने होंगे इसके, वो बराबर थे अल्फ़ा प्लस बीटा के, इसमें अल्फ़ा है माइनस फोर और बीटा है एट, तो ये जाएगा माइनस प्लस माइनस फोर आ जाएगा, सम ऑफ रूट आ गया फोर। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है माइनस फोर बीटा है एट, माइनस प्लस माइनस फोर एट ज़ा थर्टी टू। इक्वेशन क्या था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट निकाला हमने फोर है और ये एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट है थर्टी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ए वाला ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ प्लस आ गया है तो बाकी देखने डिफरेंट है, तो इसमें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो आप हमसे जो है वो कमेंट में हमसे शेयर कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।